कोई नहीं छुएगा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। बाबा बागेश्वर का मुंबई में दरबार लगने वाला है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री मुंबई आकर अब बालाजी के भक्तों के मन में दबे सवालों का समाधान बताने वाले हैं। देश और दुनिया में कई जगहों पर जाकर पर्चे निकालकर लोगों की समस्याओं का समाधान देने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री 18 और 19 मार्च को मुंबई में रहेंगे। बीएमसी ठाणे जैसे महापालिकाओं के चुनाव का ऐलान से पहले बाबा बागेश्वर के मुंबई में लगने वाले दरबार के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले खड़े हो गए हैं। नाना पटोले ने कहा कि हम मुंबई में बागेश्वर बाबा का दरबार नहीं होने देंगे। इससे पहले पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में बागेश्वर बाबा का दरबार सजाया था। अब राजधानी मुंबई में दरबार सजाने जा रहे हैं, तब नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने विरोध किया था। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बागेश्वर बाबा के मुंबई में लगने जा रहे दरबार पर नाना पटोले ने कहा, बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम मुंबई में होगा तो उसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे, क्योंकि इस भोंदू बाबा ने दुनिया के श्रेष्ठ संत तुकोबा महाराज का अपमान किया है। ऐसे में अगर इस बाबा का समर्थन कर रहा है तो गलत है। बागेश्वर धाम से जुड़ा कोई कार्यक्रम हम मुंबई में नहीं होने देंगे, हम उसका विरोध भी करेंगे। श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, वो सिर्फ महाराज के नहीं तो पूरे देश के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे, और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। नाना पटोले ने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बागेश्वर दरबार के कार्यक्रम को इजाजत न देने की अपील की। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है, अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की इस राज्य में कोई जगह नहीं। धीरेंद्र शास्त्री ने हमारे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का अपमान कर लाखों वारकरी समुदायों की भावना को ठेस पहुंचाई है। जादू टोना करने वाले संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाले धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को अनुमति देने का मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देना होगा। दूसरी तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बागेश्वर धाम सरकार के ट्विटर हैंडल से मुंबई दरबार से जुड़े कार्यक्रम का टाइम टेबल जारी किया गया। ट्वीट में लिखा गया, जय शिवाजी जय महाराष्ट्र। परम पूज्य सरकार महाराष्ट्र के हृदय स्थली मुंबई पधार रहे हैं। सनातन चेतना हिंदू राष्ट्र के संकल्प के संग पूज्य सरकार का दिव्य दरबार 18 मार्च 2023 शाम 4 बजे से और दिव्य दर्शन और सनातन चर्चा 19 मार्च 2023 शाम 4 बजे से आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता दें, बागेश्वर धाम की ओर से जानकारी दी गई कि महादिव्य दरबार 18 मार्च को दिव्य दर्शन का कार्यक्रम 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सेंट्रल पार्क मैदान एसके स्टोन मेरा रोड मुंबई से सटे ठाणे जिले में आयोजित किया जा रहा है।